मिलेगा। आज क्लास टेंथ स्टूडेंट सेक्शन ए ए बी हो ज्वाइन फ्रॉम द गूगल क्लास इमीडिएटली। हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, फर्स्ट गिव योर अटेंडेंस, देन आई विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर, सॉरी अबाउट द क्वेश्चन पेपर विच इज डन टूडे। I will discuss about the important questions which are given into the first priority test in social science today. तो आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके पहले जो है आप लोग अपना अटेंडेंस हमें दे रहे हैं जल्दी से। तो तुरंत हमें आप अपना अटेंडेंस दीजिए विद इन 2 मिनट्स। नाउ आई कॉल द नेम ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट। प्लीज टोल्ड योर नेम, यस और नॉट यू आर प्रेजेंट इन द गूगल क्लास। जल्दी से जुड़िए गूगल क्लास से सारे बच्चे 10th ए बी के, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द क्वेश्चन पेपर विच इज डन टूडे। बच्चे जल्दी जुड़िए गूगल क्लास से आप लोग। May I call the name, your roll number and name, then say your attendance. Akanksha Bunkar, Archana Meena, Archita Sabita, Bhavish Chauhan, Divans Rao, गरिमा दिवांश राव। हेलो गरिमा प्रेजेंट सर। ओके गरिमा प्रेजेंट। गिनिशा खन्ना, हर्षिल, ईशादीप कौर प्रेजेंट सर। जोर से बोला करो। ईशांत ऋषि प्रेजेंट सर। ओके ईशांत ऋषि प्रेजेंट सर। जयश्री मेहर, कुशाग्रा पाल,
कुशाग्रा श्रीवास्तव, प्रेजेंट सर। यस, मनाली सोनी, मानसी अंबेरे, मानवी जैन, माया कनवर, नवनीत प्रीतवाल, निशांत ऋषि प्रेजेंट प्रेजेंट, परमजीत कौर, पायल मलेशा, रितिका मेघवाल, रितिका, साधना पटेल, प्रगति त्रिपाठी प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, साधना पटेल प्रेजेंट है कि नहीं? रितिका मेघवाल सारा बालियान शिवानी हरितवाल प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। सुमित कुमार, सुमित कुमार, तनिष्का हाला प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। वंश पवार, विकास मेघवाल, विनीशा अग्रवाल। अब टेंथ में कोई जिसका नाम नहीं आया सर उनको भी साधना, साधना, फटाफट जल्दी से बोल दीजिए। साधना पटेल हो गई, और आगे और किसका नहीं बना अभी तक अटेंडेंस? टेंथ में और किसका नाम नहीं बोला गया? और कोई बचा है क्या जो प्रेजेंट हो? अटेंडेंस प्रेजेंट नहीं लगा अभी तक। अब टेंथ भी बोलिए। अधोक्ष राज, अजय कुमार, अली प्रेजेंट सर। अर्जेंट, अंश मीना, अनुराग, अनुराग, अनुष्का, अंशु क्या, अनुषिका, अनुषिका, अर्पिता मीना। सर हाँ सर बोलो। सर विनीशा हाँ अग्रवाल प्रेजेंट। क्या नाम है? विनीशा अग्रवाल कौन सी क्लास की हो? टेंथ ए की, बी टेंथ की? ए ए क्या नाम बताया? विनीशा अग्रवाल। विनीशा अग्रवाल। तुम लोग लेट कैसे हो जाते हो, समझ में नहीं आता है। सॉरी सर। जल्दी चलो अर्पिता मीना, बोलोगे। ये तो हाँ अर्पिता मीना, आशीष, अथर्व, आयुष धाकर, भारती नौकर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। क्या भारती बोल रही हो? भारती, यस सर। यस ओके। हिमांशु, हिमांशी, फिर हिमांशु, प्रेजेंट सर। प्रजेंट, इप्सिता दास। अरे जोर से बोलो, ढंग से बोलो। जासमिनी, जासमिनी, करिश्मा मीना, कुलदीप सिंह, लीना, मोनिशा। प्रेजेंट सर। मोनिशा बोल रही हो? यस सर। बेटा आज तक आप बान की बिल्कुल ये पूरे महीने गायब थी आप। सर मैं तो अटेंड करती थी। मैं झूठ बोल रही हो तू? सर सच्ची दूसरे बच्चे से पूछ के देखो। तो कल भी तूने नहीं नहीं बोला है? सर मैंने बोला था। नहीं बोला नहीं था, बोला बोली होती तो मैं लगाता नहीं क्या प्रेजेंट दिया तुम्हारा। मानवी, मेलविन विक्टर, प्रेजेंट सर। मेलविन आप 2 दिन एबसेंट थे बेटे। यस सर, वो अटेंडेंस देना भूल गया था सर। तो बेटा बोला करो ना अभी, आप लोग इसे बोलने को नहीं कैसे काम चलेगा। यस सर। नंदिनी, नंदिनी, पर्थराज, प्रेजेंट सर। प्रजेंट, प्रज्ञा, प्रजेंट, प्रेजेंट सर। प्रिया मीना, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट प्रियंका, सर। राहुल मीना, राजवर्धन, रिया, रिया, शबनम, शिवराज,
सुरुचि प्रेजेंट सर, उज्जवल, उत्कर्ष, वंदन, विनीत, विनीत, यशवर्धन, अथर्व कुलकर्णी, सर हाँ बोलिए सर, अर्चिता प्रेजेंट, टेंथ बी की सर, टेंथ ए, क्या नाम बताया, अर्चिता, रोल नंबर 3, अर्चिता ठीक है लगा देंगे सर, मनाली सोनी प्रेजेंट सर, हाँ सर मनाली सोनी प्रेजेंट क्लास 10th ए रोल नंबर 14, आप तो उसी टाइम बोलते नहीं हो जब मैं आपका नाम बोलता हूँ तो सर, चलो लगा दूंगा सर, अनिशिका परमार प्रेजेंट सर, अब मैं लगा दूंगा, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोग लेट कर देते हो तो दैट इज योर फॉल्ट एंड योर वीकनेस बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, आप लोग डिले करके बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, जब मैं आई व्हेन आई कॉल योर नेम एट दैट टाइम यू सो यू से सेड यस और नो बट यू डिले एवरी डे व्हेन आई टेक योर अटेंडेंस, तो आज बेटे जो क्वेश्चन जो है आज मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, जो आज आपका टेस्ट हुआ पीरियोडिक का, यस सर, तो पीरियोडिक टेस्ट का जो आज जो आपका हुआ, आज मैंने लिमिटेड चैप्टर दिए थे, देखते हैं आप लोगों ने कैसा किया है, आज पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसके बाद जो है आगे बढ़ता हूँ, फर्स्ट आई डिस्कस द वन मार्क्स क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस पहले मैं डिस्कस करता हूँ, तो मल्टीपल क्वेश्चन में फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के अगेंस्ट में कौन सी ये बातें जो है नहीं है, इसमें चार ऑप्शन है, फोर ऑप्शन में आपका जो बी है वो करेक्ट है, बी करेक्ट है, इट रिजल्टेड इन द रेस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ द खिलाफत ऑफ टर्की, दिस इज नो कनेक्टेड विद द खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के फेवर में ये पॉइंट जो है सही नहीं है, बाकी जो थ्री ऑप्शन है वो खिलाफत आंदोलन के लिए जो है वो क्या है रिलेटेड है, जैसे इट एम्ड एट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है, इट एम्ड एट डिफेंडिंग द ऑटोमन इम्पेरस टेम्पोरल पावर, ये भी रिलेटेड है, एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली लेड द मूवमेंट इन इंडिया, ये भी रिलेटेड है, तो बी विल बी करेक्ट बिकॉज इट इज नो रिलेटेड टू द खिलाफत मूवमेंट से यह संबंध नहीं रखता है। सेकेंड है द टू ग्रेट राइटर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास हु कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी थ्रू फोल्क वर्क लॉर वर्क, तो क्या है कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में कौन से दो राइटर जो है ये बंगाल और मद्रास के थे, रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री, वेरी गुड, तो बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर और साउथ इंडिया के मतलब कि मद्रास के नतेशा शास्त्री, इन दोनों का सबसे बड़ा रोल है, इन्होंने नेशनलिज्म को डेवलप करने में इन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था। उसके बाद थर्ड है नेम द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंद मठ,
नॉवेल को किसने किसने लिखा? हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वे बंगाल के थे। ही रोट द फेमस नॉवेल आनंद मठ। तो आनंद मठ नॉवेल को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज अ ग्रेट फेमस नॉवलिस्ट एंड ऑथर ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नॉवेल को लिखा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज में कौन कौन से स्पीशीज आते हैं? कंटेकी डॉल्फिन, गंगेटिक एलिफेंट। चलो ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन इट इज द करेक्ट। ओके, अच्छा इसके बाद जो है वल्नरेबल स्पीशीज में आती हैं। चलिए नेक्स्ट है सर, हॉर्नबिल है ना वल्नरेबल में। हाँ, डॉल्फिन, गंगेटी डॉल्फिन ये जो करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ है, नेम एनी फोर नॉर्मल स्पेसी। नॉर्मल स्पेसी में कौन कौन आती है? कैटल, पाइन, स्टूडेंट। हाँ हाँ, कैटल, सॉल, पाइन, और इसके अलावा जो है रोडेंट। ये जो है नॉर्मल स्पेसीज है जो अभी बिल्कुल समाप्त नहीं हुए हैं, मतलब कि अभी भी जो है ये वर्ल्ड में प्राय एवरी कंट्री है दिस टाइप ऑफ द स्पेसीज, इसलिए इनको नॉर्मल स्पेसीज में रखा गया है, इंटीग्रेटेड में नहीं रखा गया है। ये नॉर्मल स्पेसीज है कैटल, सॉल, पाइन, रोडेंट, नॉर्मल स्पेसीज। ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू सम पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन ऑफन फेल दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ठीक है, इसका पहले हिंदी में मीनिंग बताता हूँ। सेम रिलीजन में रहने वाले क्यों दूसरे को अपनी कम्युनिटी का पार्ट नहीं मानते हैं, किस कारण से ऐसा? सोशल ग्रुप, बिकॉज देयर कास्ट एंड सेक्स आर वेरी डिफरेंट इज डिफरेंट डी ऑप्शन। यस, जैसे मान ली बिकॉज आंसर हो जाएगा डी। आंसर जो डी है, बिकॉज देयर कास्ट और सेक्स इज वेरी डिफरेंट। जैसे बिकॉज देयर कास्ट और सेक्स आर डिफरेंट। सर सेम कम्युनिटी के ना, तो स्टेटस चेंज, स्टेटस अलग हो सकता है ना सोशल का। ये डी होगा, ये डी होगा सर, बट ये तो सेम सर, ये तो डी होगा, लेकिन कम्युनिटी सेम है ना, तो सेम ही कास्ट होगी। ध्यान से इसको समझो, पहले इसको सोशल स्टेटस चेंज हो सकता है ना सर, कोई हां, क्योंकि थ्योरी कॉमन फॉर पीपल बिलोंग टू द सेम रीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी बिकॉज़ देयर कास्ट और सेट इज वेरी डिफरेंट। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म, हिंदू जो है, हिंदू रिलीजन में जो लोग हैं, हिंदू रिलीजन में देखिए बेटे बहुत अनेकों कास्ट है, मेनी कास्ट, मेनी, जैसे मान लीजिए हिंदू, तो हिंदू में एस सी एस टी भी हिंदू है, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी हिंदू है, लेकिन सभी हिंदू में एस सी एस टी भी आते हैं, लेकिन एस सी एस टी को हिंदू जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट के लोगों ने हिंदू लोगों के साथ जातिगत व्यवहार करते हैं, उनके साथ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, उन्हें अनटचेबल बोलते हैं। तो सेम रिलीजन के होते हुए भी कुछ अपर कास्ट के लोग एस सी एस टी को डिफरेंट मानते हैं, उनकी कास्ट को लेकर के,
ए डी करेक्ट होगा बिकॉज देयर कास्ट और सेक्स आर डिफरेंट, क्योंकि जाति अलग अलग होती है, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को डिफरेंट मानते हैं कुछ जातिगत, ठीक है, डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। सर सेम कम्युनिटी को सेम कास्ट भी तो बोल सकते हैं? नहीं सेम नहीं होगा ना बेटा, सेम कैसे होगा सर? इसका आंसर तो बी होना चाहिए, सोशल स्टेटस। नो 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 नो, बिकॉज देयर सोशल स्टेटस आर डिफरेंट, सिमिलर है लेकिन, ठीक है लेकिन डी बिल्कुल करेक्ट है। सोशल स्टेटस कैसे सिमिलर है सर? नहीं सोशल डिफरेंस लेकिन इसको कास्टिज्म को लेकर है ना बेटे, जाति का जाति भाई भेदभाव को लेकर के, ठीक है, सामाजिक भेदभाव को थोड़ा सा 100% करेक्ट नहीं आता है, लेकिन डी ऑप्शन जो करेक्ट आता है, समाज में तो सभी आ गए, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सभी आ गए, तो समाज में उसको लेकर ये पॉइंट सही नहीं लगता है, डी करेक्ट होगा। अब मान लीजिए हिंदू रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में बेटे जैसे मान लीजिए अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, तो हिंदू रिलीजन में एससी एसटी भी हैं, दलित भी हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है जो अपर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? जातिगत, कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर, हाँ वे डिफरेंट मानते हैं लोअर कास्ट के लोगों को, उनके साथ नेगेटिव थिंकिंग करते रखते हैं, प्रेजुडाइज हैं, स्टीरियोटाइप रखते हैं, तो एक कास्टिज्म एक एंड ए डी करेक्ट होगा बिकॉज दे कास्ट और सेक्स आर डिफरेंट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन। फिर राइट आंसर क्या है इसका? हाँ बोलिए, क्या बोल रही हो सर? राइट आंसर क्या है उसका फिर? राइट आंसर डी है। ओके सर। सिक्स का डी, बिकॉज देयर कास्ट और सेक्स आर डिफरेंट। चलिए सेवन क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री सफर्ड डिस्टिंग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड एथनिक आइडेंटिटीज। वे कौन से कंट्री है देश के जो धार्मिक रिलीजियस श्रीलंका, और भी कंट्री के नाम बताइए एक दो। श्रीलंका, तो यूगोस्लाविया हो गया, ठीक है, यूगोस्लाविया करेक्ट है। तो यूगोस्लाविया पॉलिटिकल अमाउंट रिलीजियस एंड सर, हाँ बोलिए सर, कितने एग्जांपल लिखने थे सेवन में? चलिए ठीक है, एक ही लिखेंगे तो भी सही होगा, 100%, डोंट वरी, एक ही काफी है। तो यूगोस्लाविया में जो है रिलीजन और एथेनिक जो है वहां पर डिफरेंसेज है, मतलब कि लोग सफल है। चलिए एट नंबर तो सभी करेक्ट किए होंगे, जहां क्योंकि मैं पार्टर सिस्टम, ये मनी एक मनी एंड क्रेडिट में है, मनी एक्सचेंज में आपको पढ़ाया था, बार्टर एक्सचेंज, वेरी गुड। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज नोन, गुड्स को देकर गुड्स लेना, वस्तु को देकर वस्तु लेना, इट इज नोन एज द बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली, हिंदी में उसको बोलते हैं बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, गुड्स को देकर गुड्स लेना। जब मेनी मेनी इयर्स एगो एट दैट टाइम व्हेन द मनी एंड करेंसी वाज नो इम्प्लीमेंटिंग इन द कंट्री, एट दैट टाइम पीपल वर एक्सचेंज देयर गुड्स टू गुड्स, जब पैसे रुपए पैसे नहीं चलते थे, आज से हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, तो पीपल जो है लोग अपना वस्तु को देकर वस्तु लेते थे, गुड्स को देकर गुड्स लेते थे, एक्सचेंज करते थे, क्योंकि मनी और पैसे जो है प्रचलन में नहीं था। चलिए ये सबका सही होगा। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द
नाइन छूट गया श्रीमान डेड लेंडर्स में नाइन छूट गया सोन हाँ क्या बताया आपने नाइन छूट गया इससे था बोली दोबारा द कोलैटरल डिमांड That lenders make against loan include the building of borrower, cattle of the borrower of any fixed deposit of the borrower in the bank, property such as the land, livestock, etc. are some of the common example of collateral used for borrowing. क्या क्या था cattle? Cattle मने मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और land मतलब जमीन. House. हाँ. इसको जो है इस पर लोग जो है लोन जो है लेते थे कर्ज लेते थे गांव के लोग ठीक है सिक्योर्ड लोन हाँ सिक्योर लोन के लेते थे उसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन एलोबोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोरी सीताराम राजू इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया भारत के नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन में सीताराम राजू का क्या रोल था सीताराम राम राजू तो ये अलोरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही वाज ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोनोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हैव पीपल एंड द कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स एंड कैप्टिवेटेड बाय द राजू The rebels proclaimed that he was an incarnation of the god Raju talked on the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to the wear khadi and giving up drinking. So, ये Mahatma Gandhi के follower थे और उन्होंने Mahatma Gandhi की ideology में believe करते थे और उन्होंने लोगों से अर्ज किया कि लोग शराब नहीं पिए शराब पीना छोड़ दें खादी कपड़ा पहने अपने देश के बने हुए कपड़े पहने इसके बाद बट एट द सेम टाइम ही एसर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरल ओनली बाय द यूज ऑफ द फोर्स नॉट नॉन वायोलेंस ठीक है नॉन वायोलेंस में विश्वास रखते थे द गुद्देम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वार्स फॉर अचीविंग स्वराज राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर द टाइम बिकेम ए फोल्क हीरो ये सब जो नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में भारत की आज़ादी की लड़ाई में इनका सबसे बड़ा रोल था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वर द प्रपोजल्स रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी वन मिनट बेटे थोड़ा सा फोन आ गया मैं देख लूं Yes, question number 12. What were the three proposals regarding non-cooperation movement as suggested by Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi के अनुसार जो है non-cooperation movement के three proposal क्या थे? The three proposal boycott of foreign goods. हाँ. पहला है the movement was to be unfolded in stage. Second, it should begin with the surrender of titles awarded by the government and boycott of civil service, army, police court, legislative council, schools and foreign goods. क्या हुआ कि non-cooperation movement में महात्मा गांधी के अर्ज पर भारतीयों ने इंडियन ने गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ दिया बाइकआउट किया ठीक है सिविल सर्विस ठीक है सिविल सर्विस लोक सेवा जो नौकरी है उसको छोड़ दिया आर्मी पुलिस
आर्मी ने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दिया, पुलिस ने पुलिस स्टेशन मतलब कि गवर्नमेंट की नौकरी को त्याग दिया, कोर्ट ने कोर्ट में जाना लोगों ने छोड़ दिया, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, स्कूल से बच्चे जो है सरकारी स्कूल से अपना नाम हटा लिए, और इसके अलावा फॉरेन गुड्स विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भारतीयों ने महात्मा गांधी की आह्वान पर इस तरह से जो है उन्होंने बाइकआउट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एक पॉइंट और भी है इसमें, देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्लेशन ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च्ड। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया हैज रिच फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन। तो फॉरेस्ट में आपको मैंने पढ़ाया था आपको ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का ये क्वेश्चन है, मतलब फ्लोरा एंड फौना वन्य जीव और पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करना है सर। कि इंडिया में जो है फ्लोरा फौना इंडिया में बहुत रिच है, सदियों से यहाँ पर जो है वन्य प्राणी यहाँ के जंगलों में फॉरेस्ट में रहते आए हैं, और यहाँ फॉरेस्ट दे आर डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट सेंचुरी नेशनल सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, और बैनिंग ऑन द फॉरेस्ट जंगलों पर रोक कटाई पर रोक लगाई गई है, हजारों प्रकार की प्रजातियां स्पेसीज जो है हमारे देश के जंगलों में पाई जाती है, और अनेकों प्रकार के वाइल्ड एनिमल हर्बी बोरस एंड कॉर्नी बोरस दोनों प्रकार के एनिमल जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार की प्रजातियां, 81,000 स्पेसीज ऑफ फौना एंड 47 स्पेसीज ऑफ द फ्लोरा आर फाउंड इन द कंट्री। ठीक है, 81,000 वनस्पतियां और 47,000 क्या है वन्य प्राणी हमारे देश में पाए जाते हैं। ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 प्लांट स्पेसीज अबाउट 15,000 फ्लोरिंग स्पेसीज आर इंडिजियस टू इंडिया। इंडिया में 47,000 प्लांट पौधे और लगभग 15,000 फूलों से रिलेटेड पौधे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इट है नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। पूरे वर्ल्ड का लगभग 8% फ्लोरा फौना हमारे देश में हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। इस तरह से आपको लिखना था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस मतलब सोसाइटी में समाज में जो डिफरेंसेस जो अंतर पाया जाता है उसके क्या क्या कारण है, किन कारणों से समाज में विभिन्नताएं या डिफरेंसेस पाई जाती हैं। इसके बहुत से कारण हैं, मैनी डिफरेंसेस आप दिया जिसमें रिलीजन है, कास्ट है, ठीक है, कास्ट डिफरेंसेस, बर्थ, ठीक है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, बर्थ को लेकर के, डिफरेंस बेस्ड ऑन द चॉइस को लेकर के, धर्म रिलीजन को लेकर के डिफरेंसेज है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, हाँ, डिफरेंटेड ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के डिफरेंसेज है, तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कास्ट, कास्ट रिलीजन फील्ड इसको लेकर के हमारे सोसाइटी में हमारे डिफरेंसेस पाई जाती है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब हुआ कि सम पीपल दे आर इकोनॉमिकली वेरी पुअर एंड सम पीपल आर इकोनॉमिकली दे आर वेरी रिच। हमारे सोसाइटी में अमीर गरीब को लेकर के डिफरेंसेज हैं, रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के डिफरेंसेज हैं, कास्ट को लेकर के डिफरेंसेज हैं, चॉइस, बर्थ,
ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट जो लोन होता है किस प्रकार से जो है ये हेल्पफुल है। हाउ द क्रेडिट एंड लोन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट आल्सो हेल्प टू द पीपल। इट आल्सो क्रेडिट इट आल्सो हेल्प टू द विद पीपल दोज हु आर वेरी पुअर पीपल they borrow the loan and credit from the bank. So how the banks they help to the economic development of the country and for the people. इस तरह से क्रेडिट जो है लोन जो है लोगों को आर्थिक रूप से मदद देता है। आप जानते हो बेटे मैं बताया था मनी क्रेडिट में कि लोन लोग दो प्रकार की संस्थाओं से लोन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है बेटे, कौन कौन सी आती हैं? बैंक और कोऑपरेटिव। तो फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव आता है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है। और फॉर्मल सेक्टर को जो है अच्छा माना गया है बिकॉज इट डोनोट चार्जेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, चार्ज नहीं करता है, लोगों को टॉर्चर नहीं करता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें जैसे आ गए फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, या लैंडलॉर्ड हो गए, रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी हो गए, या लैंड, ऐसे लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में रखा गया है। तो अब जैसे फॉर्मल सेक्टर जो है किस तरह से लोगों को हेल्प करती है, और जैसे फार्मर को, बिजनेस पर्सन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है बैंक से, कोऑपरेटिव से, जिससे देश में इकोनॉमी जो है डेवलप होती है। तो क्रेडिट जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो एक देश के कंट्री के इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्रेडिट हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर। बोरोवर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है। इट क्रेडिट इट is provided at reasonable rate of interest, they can improve the economic condition. This will help them to improve their status. So credit के द्वारा लोग जो अपना आर्थिक सुधार करते हैं, economic जो है status को high करते हैं। इसके अलावा with the help of the credit, people could increase their agricultural production, can start and run business at some small scale industry. लोन जो है इसके द्वारा जब फार्मर अपना एग्रीकल्चर करता है, बिजनेस पर्सन सेटअप देयर बिजनेस एंड ट्रेडर आल्सो दे डेवलप देयर ट्रेड एंड द कॉमर्स। तो इस तरह से जो लोन जो है हेल्प टू द फार्मर, हेल्प टू द बिजनेस पर्सन एंड आल्सो ट्रेडर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू सेटअप द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री सेटअप करने में एग्रीकल्चर के लिए, बिजनेस के लिए सेटअप करने के लिए जो क्रेडिट जो लोन जो है इसका सबसे बड़ा रोल है या इम्पोर्टेंस है। इसमें लोन का इम्पोर्टेंस लिखना है कि किस तरह से लोन के द्वारा जो है देश का इकोनॉमी का, देश की इकोनॉमी और सोशल स्टेटस जो है वो उसको डेवलप करता है, ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि इंडियन मर्चेंट और उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट का उनका नजरिया क्या था, इस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन क्या था, कितने लोग इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में, तो इनका रोल लिखना था। ठीक है कि इनका क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
में इंडस्ट्रियलिस्ट, और इसके अलावा जो है मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट का जो रिच लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, इनका इस मूवमेंट में, आंदोलन में इनका सबसे बड़ा रोल क्या क्या था, किस प्रकार वे रोल प्ले किए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड इमर्जेड ए पावरफुल सेक्शन। दे अपोज्ड कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज बिकॉज दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर बिजनेस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मर्चेंट ने, ट्रेडर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया, विरोध किया, क्योंकि वे अपने बिजनेस को जो है वे आगे बढ़ाना चाहते थे, और जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है अंकुश या कंट्रोल रखती थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड द रुपीज स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिसकरेज इंपोर्ट्स। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927। दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड दैट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। मोस्ट बिजनेस मैन केम टू सी स्वराज एट ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड price without and after the failure of the round table conference business group were no longer uniform outside। तो ये सारे जो है इसमें points आएंगे, तो how the merchant and trader and business person what was their role in the civil disobedience movement। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेस्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। किस तरह से इंडियन सोसाइटी में लोगों ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, जंगलों और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए इंडियंस में जो कुछ सोसाइटी के लोग जो है उन लोगों ने किस प्रकार से उनका प्रोटेक्शन किया। तो जैसे मान लीजिए चिपको मूवमेंट, हाँ, वन महोत्सव के द्वारा या जंगली वाइल्ड जो जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल लोग जो हैं उन लोगों ने भी अप्रोच किया। तो इस तरह से जो है द सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को सेटल इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान inhabited of the five village have taken about 1200 acres of the forest land. They have framed their own rules and regulations which do not allow hunting and the protecting the wild. Chipko movement के बारे में आपको बताया था कि Chipko movement के द्वारा भी जो है wild life और flora fauna को protect किया गया। In the state of the Odisha, the joint forest management program consisting of local people has undertaken protection activities mostly on degraded forest land. Iske baad farmers and citizens grow like the beech bachao andolan in Kerala has shown that crop production is possible without the use of the synthetic chemicals. So these are the many activities which are the practice to protect the wildlife and the forest। तो इंडिया के अनेक समुदाय के लोगों ने वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए जो है अपना सबसे बड़ा रोल जो है प्ले किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल डिविजन इन डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी के डिवीजन में इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट द
इकोनॉमिक्स दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट डे से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे न्यू चैप्टर के लिए। अच्छा, आप लोगों को जो है होम असाइनमेंट आज मैं सेंड करूंगा, आपको इस वीक में होम कौन कौन से चैप्टर को आपको करने हैं होम असाइनमेंट में आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब सर, हाँ बोलिए सर, अभी जो चैप्टर के आप असाइनमेंट दे रहे हो वो चैप्टर के नाम बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी में आपको जो है कौन सा चैप्टर फिनिश किया, जल्दी नाम बताइए। एग्रीकल्चर सर, उसके पहले थर्ड चैप्टर था वाटर रिसोर्स, सब वाटर रिसोर्स। चलिए ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर दे दूं क्या सर? पहले वाटर रिसोर्स। तो उसके पहले वाला दो, एग्रीकल्चर के पहले वाला। यस सर, वाटर रिसोर्स उसके पहले वाला। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है वाटर सर। आज मैं गूगल क्लास से भेज दूंगा, ठीक है बेटे सर। हां बोलिए सर। गूगल सर, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 7 का? यस सर। 7 का बेटा यूगोस्लाविया। सर नॉर्दर्न आयरलैंड होना चाहिए ना बेटे? की में तो बेटा यूगोस्लाविया दिया है की में। सर नॉर्दर्न आयरलैंड में भी तो हुआ था, लेकिन बेटा की में ही दिया ना, की में यूगोस्लाविया दिया है। बट सर बुक की थ्योरी के हिसाब से तो नॉर्दर्न आयरलैंड होना चाहिए। ठीक है, मैं देखूंगा बुक में क्या दिया है, लेकिन इसके अलावा यूगोस्लाविया यहाँ दिया है। कोई बात नहीं है, ठीक है सर, आप चेक करिएगा। हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट अभी होम असाइनमेंट में आपको वाटर से वाटर के बारे में दूंगा। ओके सर, रिवर वैली प्रोजेक्ट जो वाटर चैप्टर में आपको दूंगा। ओके ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में एलके भी प्रेजेंट लगा लो सर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा ग्लोबलाइजेशन, तो आप लोग रेडी रहिएगा। वो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर।
गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों आज हाँ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा बोलिए मैम। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कौन पूछ रहा है? मैम अलीशा। क्लास अटेंड करती हो? यस मैम। दो तीन मिस हो गई थी। हाँ तो मैंने कितनी आपको सिलेबस बताया भी है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है। हाँ मैम लेकिन उसमें वो व्याकरण चैप्टर्स नहीं बताए। अरे चैप्टर भी भेजा है, ऐसा थोड़ी है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में देखना, उसके बाद जो है स्कूल से भी भेजा है सिलेबस, तो दो दो बार भेजा गया है। इसका मतलब आप अपनी क्लास का ग्रुप नहीं देखते हो। मैम उसमें तो व्याकरण ही लिखा है। किसमें? अच्छा व्याकरण लिखा है, मैंने क्लास में भी बताया था। और उस वाले में क्या कहते हैं आपको, जो मैंने पर्सनल भेजा था ना उसमें देखना। व्याकरण में मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, कल क्लास अटेंड की थी, कल भी बताया था मैंने। नो मैम। बाकी बच्चों से पूछो, आपकी कोई यदि सहेली है जिससे बातचीत होती है उससे पूछिए ना। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाने। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ, हो सकता है आपके जैसे एक दो बच्चे और निकल आए। तो व्याकरण में बच्चों टॉपिक जो है देखिए, व्याकरण में देखिए एक तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा है वाच्य, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और पत्र। ठीक है, यही बताया था ना पहले भी, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप देख लिया करो बच्चों। यस मैम। हाँ और आपकी कोई जो सहेली है उनसे भी जरा आप कंफर्म कर लिया करो कि क्या चीज है। पढ़ाई के बारे में तो कम से कम बातें पूछ ही सकते हो आप। और पाठ जो है पुस्तक से कौन कौन से आएंगे वो पता है ना? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है फिर। तो आज मैं रिवीजन ही करवाऊंगी बच्चों, और आज की कक्षा में जो व्याकरण का हम दूसरा टॉपिक वाच इसको इसका रिवीजन कर लेते हैं ना, ठीक है? Yes, हाँ क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य भेद तो हम कई दिन से पढ़ रहे थे और पढ़ा दिए, काफी हो गया था हमारा उसमें। अभी वाच जो है इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो वाच्य क्या है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, कुछ बच्चों ने जो पढ़ा होगा तो यदि जवाब आएगा। हाँ मैंने क्या बताया था बच्चों वाच्य के बारे में, क्या है वाच्य, क्या समझते हैं आप वाच्य से? हाँ गर्ल्स में, आज तो गर्ल्स की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है मैम। क्रिया मैम जो वाक्य कर्म। हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम। जिस वाक्य क्रिया का मुख्य विचार। बच्चे दो बच्चे जब आप दो एक साथ नहीं बोलिए क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आएगी दोनों क्या बोलेंगे, इसलिए जब एक बोल रहा है तो दूसरा बच्चा रुक जाए ना। ओके मैम। एक एक बोलिए तो मुझे भी समझ में आएगा। हाँ बोलिए जल्दी से मैम। वाच्य क्रिया का मुख्य विषय। हाँ ठीक है क्रिया का मुख्य विषय। और दूसरा बच्चा कौन सा बोल रहा था? मैम यही बोल रही थी मैम। अच्छा ठीक है, तो वाच्य जो है क्रिया का मुख्य विषय हम कह सकते हैं इसको। और वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण।
क्रिया का रूपांतरण जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की, तीनों में से किसी एक की प्रधानता होगी जो कि एक वाक्य में। तो वाक्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, तीनों में से किसी एक की, है ना ये। या फिर हम इसको, अर्थ वही है, कई तरीके से इसको बात को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है कर्म है या भाव, ये क्या होता है? वाच्य होता है। तो पता चला वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है या क्रिया का विषय भी हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, क्रिया की है कर्म की है या भाव, इन तीनों में से किसकी प्रधानता है, ये हमें पता चलता है। मैंने पहले आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ये व्याकरण का टॉपिक, और आपने शायद और कुछ इसके लिए जो विशेष बातें जो है आपने नोट भी की होगी कुछ बच्चों ने रेगुलर व्याकरण का, तो बच्चों आप कम से कम नोट कर ही लिया करो, जो चीज बताई जाती है आपने जो हिंदी की पुस्तक बताई बना रखी होगी ना, पुस्तक में नोटबुक, तो उसमें आप नोट कर लिया करो चीजों, क्योंकि कुछ बच्चे तो लगता है मुझे पहले हिंदी की क्लास अटेंड भी नहीं करते अब। तो वाच्य पता चला क्या है वाच्य, और अभी कुछ नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण, जिसके द्वारा यह पता चलता है, कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक, या फिर दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया का मुख्य विषय, क्या कह सकते हैं? क्रिया का मुख्य विषय हाँ, क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है कर्म है या भाव है, तीनों में से कोई एक होगा ये पता चलता है ना। आप सरल अर्थ में इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। अब वाच्य के भेद ये तो पता होगा आपको कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। हाँ, तीन प्रकार के होते हैं, वेरी गुड। कौन कौन से नाम कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हाँ, कर्तृवाच्य। हाँ, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं इसके, ये भी आपको याद रखना है ना, नाम भी याद रखना है। तो वाच्य के तीन प्रकार माने गए हैं, या वाच्य के भेद भी हम इसे कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से कितने? तीन प्रकार के ही माने गए। यस मैम। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं,
क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तीन भेद हो गए, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। पहला कर्तृवाचक, पहला है कर्तृवाच्य। तो इसमें क्या होता है कर्तृवाच्य? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। क्या? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। हाँ, तो इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। और क्या? हाँ, इसको आप जो है बच्चों ऐसे व्याकरण में, यदि कोई बच्चा जिसने पहले नहीं पढ़ा हो इस टॉपिक को व्याकरण का और पहली बार क्लास अटेंड करना है, तो आप नोट कर सकते हैं। कर्तृवाच्य में क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। और दूसरा, क्रिया जो है वो किसके अनुसार होती है? क्रिया कर्ता के अनुसार। हाँ, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में ध्यान रखिए, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। और दूसरा है जो है हमें क्रिया इसमें कैसी दिखती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप इसके उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य के उदाहरण अब हम देखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे राम पढ़ रहा है, और सिपाही घूम रहा है, ये दो उदाहरण देखिए। राम पढ़ रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया पता चल रही है। और ये क्रिया जो है किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार, है ना। फिर दूसरा उदाहरण भी वैसा ही है, सिपाही घूम रहा है, तो सिपाही यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता जो है उसकी क्रिया कैसे प्रयोग हुई है इसमें, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। अब आप पहचानिए, मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, आपको पहचान कर बताना है कर्तृवाच्य का कौन सा उदाहरण है। क्या रेखा ने कहानी पढ़ी, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है बताइए, पहचान कर बताइए। रेखा ने कहानी पढ़ी, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? भूल गए क्या पिछला पढ़ा हुआ? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का है ये उदाहरण। कर्तृवाच्य। कर्म कैसे हो गया, कर्म का नहीं है बेटा, आप लोग भूल गए। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। हाँ, जो हम अभी पढ़ा है कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है ये।
ये सामने आपके लिखे हुए मुख्य बिंदु ध्यान रखो, उनको देख के भी आप बता सकते हो। इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया जो है यहाँ पर कर्ता के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी एक दो उदाहरण। देखते हैं, मैंने गाना गाया, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? मैंने गाना गाया कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। हाँ बोलिए मैम, इसमें जैसे मैंने गाना गाया जो इसमें उदाहरण है, तो वो क्वेश्चन में देगा क्या कि ये किस वाच्य का उदाहरण है, या फिर क्योंकि ये तो सरल वाच्य भी है, सरल वाक्य भी है और कर्तृवाच्य भी है। आपको जो है प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ये जो टॉपिक है इससे संबंधित। एक तो आपको मान लीजिए उदाहरण भी दे देगा, है ना, उदाहरण दे दिया और कह दिया जाएगा पहचान कर बताइए कौन से वाच्य का उदाहरण, ठीक है। आपको हो सकता है ऑप्शन भी मिले और आपको विकल्प भी मिले, जैसे चार विकल्प होते हैं ना वैकल्पिक प्रश्न में, एमसीक्यू प्रश्न जो होते हैं आपके, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्मवाच्य का उदाहरण पहचान कर बताइए, या भाववाच्य का उदाहरण पहचान के बताइए, या फिर आपको कोई उदाहरण दे दिया जाएगा। मान लीजिए कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया है और इसको बदलिए आप कर्मवाच्य में बदलिए, यदि बदलते हैं तो कैसे बनेगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है वाच्य के भेद कितने होते हैं, ठीक है। आगे और देखिए, और उदाहरण देखिए। मजदूर वृक्ष काटेंगे, मजदूर वृक्ष काटेंगे, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? मजदूर वृक्ष काटेंगे, पहचानिए बच्चों। कर्तृवाचक। हाँ ये कर्तृवाचक, कर्तृवाचक का ही है अभी उदाहरण। पता चल रहा है कि आपने इस टॉपिक को घर में दोबारा रिवाइज नहीं किया है, और मैं आपसे बार बार कहती हूँ व्याकरण को बच्चों आप साथ के साथ उसको रिवाइज करो, व्याकरण का तो विशेष ध्यान रखना है। जैसे सीता जागती है, कर्तृवाच्य, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कर्तरी का है बेटा। ये देखिए सीता तो क्या है इसमें, कर्ता नहीं, कर्ता 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 है ना, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप जो ठीक है ध्यान रखिए कि इस कर्तृवाच्य में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार ही होता है, बस ये ध्यान रखिए। और उदाहरण जितना आप अभ्यास करोगे तब जाके चीजें सरल बनती है, बार बार अभ्यास करना है, पर मतलब दो चार उदाहरण से ये चीजें हो सकता है नहीं आए, फिर और आप 8-10 उदाहरण जब करोगे या उससे ज्यादा 20 उदाहरण आप करोगे तब ये सरल होंगी चीजें आपके लिए। हाँ एक राजन दौड़ेगा, ये उदाहरण, ये कौन से वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, दौड़ेगा कर्तृवाच्य, हाँ कर्तृवाच्य का ये, ठीक है। अब और देखिए, बच्चा हंसता है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्तृवाच्य का, हाँ कर्तृवाच्य का उदाहरण है।
ठीक है, कर्तृवाच्य। हाँ आगे अब हम दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य देखिए। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, क्या होता है कर्मवाच्य? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया क्रम के अनुसार होता है। हाँ वेरी गुड, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। हाँ तो कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो है कर्म के अनुसार प्रयोग इसमें होती है। और इसके अलावा और है कुछ बातें इसके साथ और जुड़ती है। इसमें इसके अलावा क्या होता है, इसमें कर्ता के साथ जो है करण कारक का प्रयोग भी किया जाता है। कर्ता के साथ इसमें करण कारक का प्रयोग होता है, तो उसके चिन्ह जैसे से के द्वारा ये भी इसमें लगाए जाते हैं। तो देखिए उदाहरण आप देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कर्म की प्रधानता होती है, ये तो है ही, कर्म की प्रधानता क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और इसके अलावा इसमें कर्ता के साथ जो है करण कारक के चिन्ह जो है करण कारक के चिन्ह जैसे से और के द्वारा ये भी लगाए जाते हैं ना। आप उदाहरण देखेंगे तब पता चलेगा, द्वारा लगाया जाता है जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा बच्चों, ये तीन बातें तो मुख्य रूप से ध्यान रखिए और आगे जो आएगा तो बीच में मैं और बता दूंगी आपको। कर्म की प्रधानता क्रिया कर्म के अनुसार और कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह जैसे से और के द्वारा ये भी लगाए जाते हैं। अब उदाहरण आप देखिए, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। हाँ तो ये कर्मवाच्य का ही उदाहरण, इसमें राम करता है। हाँ करता है और इसमें इसमें पढ़ी जाती है के द्वारा, के द्वारा का प्रयोग हो रहा है ना कर्ता के साथ, और फिर हाँ क्रिया क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। यस मैम, ठीक है। तो बच्चों ये जो भी है आप ये दो तीन बातें जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको आप नोट करके अच्छे से ध्यान रखिए कि ये चीज है और इसमें हमें ये चीजें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। यस मैम। अब और उदाहरण देखते हैं, मोहन से नाचा जाता है, एक मोहन से नाचा जाता है, तो ये भी क्या है कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से और के द्वारा, तो यहाँ पर से है, ठीक है, कर्ता के साथ क्या है से, और फिर क्रिया जो है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है कर्म के अनुसार।
मैम हाँ मैम और क्या उदाहरण वाक्य हाँ बोलिए ऐसे देखिए रेखा से कहानी पढ़ी गई कर्मवाच्य रेखा से कहानी पढ़ी गई ये कौन से वाच्य का उदाहरण है कर्मवाच्य सूरदास के द्वारा सूर सागर की रचना की गई सूर सागर की रचना की गई ये कौन से वाच्य का उदाहरण है कर्मवाच्य हाँ ये कर्मवाच्य का उदाहरण ठीक है Yes, अब हम भाववाच देख लेते हैं क्योंकि तो बच्चों आज के क्लास में रिवीजन करवाते हैं जब चलो इसके एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं फिर आप बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं ये कौन से वाक्य का उदाहरण है कर्मवाच्य हाँ बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं मैं हाँ बोलिए मैम अगर इसको भाववाच्य में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे भाववाच्य में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे एक मिनट बताती हूँ भाववाच्य में कैसे बदलेंगे ठीक है रुक अभी थोड़ा सा वेट करो मैं बता देती हूँ ना भाववाच्य का बता दूँ उसके बाद लास्ट में बता देती हूँ अब भाववाच्य देखिए जल्दी से देख लीजिए आप लोग भाववाच्य में क्या होता है क्या होता है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है विवशता असमर्था करने के लिए नहीं का प्रयोग मिलता है हाँ भाववाच्य की प्रधानता होती है और दूसरा दूसरा क्या है विवशता और असमर्था व्यक्त करने के लिए नहीं का प्रयोग मिलता है इसमें ठीक है भाव की प्रधानता तो होगी भाव की प्रधानता होती है और दूसरा है इसमें विवशता या असमर्थता और समर्थता व्यक्त करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है नहीं का प्रयोग उदाहरण देखिए अभी जैसे लक्ष्मी से गाया नहीं जाता लक्ष्मी से गाया नहीं जाता ठीक है लक्ष्मी से गाया नहीं जाता ये इसमें एक तो नहीं का प्रयोग मिल गया हमें और दूसरा
भाव की प्रधानता। हाँ अभी क्या उदाहरण देखा था, कौन सा था, एक मिनट बताते हैं। बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं, अब इसे बदलना है भाववाचक में, तो कैसे बदलेंगे, बच्चों से फूल नहीं तोड़े जाते हैं, तो नहीं लगाना होता है। हाँ नहीं लगाना होता, नहीं लगाना होता है। सिर्फ नहीं का नहीं बेटा, और भी जो बातें हैं, एक ही चीज को मत पकड़िए आप, जो और भी जो मुख्य बातें हैं उससे संबंधित उनको भी ध्यान रखिए। हो सकता है मान लीजिए उसी को पकड़ा आपने और वो चीज नहीं आई तो फिर क्या करोगे, इसलिए जो सारी बातें हैं व्याकरण की उनको सभी को आपको ध्यान में रखना है। हाँ आगे पहले भाववाचक के हम और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद समय होगा बचेगा तो हम करेंगे ना। और इसमें भी जो है भाववाच्य बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें भी कर्ता के आगे से और द्वारा इसका प्रयोग होता है, करण कारक का जो है, जैसे भाववाच्य में था ना वैसे ही, जैसे लक्ष्मी से गाना नहीं गाया जाता, और वो पहला वाला उदाहरण क्या था, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं, तो बच्चों से फूल नहीं तोड़े जाते, तो इसमें भी से और के द्वारा का प्रयोग भी मिलेगा इसमें भी, ये भी ध्यान। यस सर, ये कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में ही मिलेगा आपको, लेकिन भाव में जो है नहीं, ये ध्यान रखना, और वहां कर्म में आपको नहीं मिले, ये जो नहीं है ना ये नहीं मिलेगा। कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि आप उदाहरण देखिए सबके और दोनों उदाहरणों को एक साथ रखिए, कर्मवाच का उदाहरण देखो कि ये कर्मवाच का है और ये भाववाच का, दोनों में क्या अंतर है, फिर पता चलेगा आपको ना, एक साथ उन चीजों को देखोगे तब। जैसे राम से तेज दौड़ा जाता है, राम से तेज दौड़ा जाता है, ये किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य का है। एक मिनट, आगे देखिए फिर और उदाहरण क्या आ गया, कल का भी, हाँ पक्षों का जो है, हमसे अब भागा नहीं जाता, हमसे अब भागा नहीं जाता, भाव, कौन से वाच्य का उदाहरण है, भाव, भाव। हाँ और उदाहरण देख लीजिए आप। मैम, हाँ मैम, मीन्स के और से, के द्वारा और से तो लगे ही दोनों में, पर नहीं से दोनों का फर्क हाँ। पता चल रहा है, बेटा लेकिन ये भी हो सकता है इसमें मुख भाव का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए उदाहरण, अब दादाजी से सुना नहीं जाता, दादाजी से अब सुना नहीं जाता, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है,
भाव वाक्य भाव वाक्य ना लेकिन सभी तो सत्तर ना मोहन जी नहाया गया चलो जरा टहला गया तो ये ध्यान रखिए ये भाववाच में मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको नहीं का ही मिलेगा अपवाद जो है वो भी होता है हो सकता है कुछ उदाहरण आपको ऐसे भी मिल जाए जिनमें नहीं का प्रयोग आपको नहीं मिले कुछ वाक्यों में ऐसा भी है वैसे अधिकतर नहीं का होता है लेकिन हो सकता है कभी आपको ऐसा भी उदाहरण दे दिया जाए जिन नहीं का प्रयोग आपको नहीं मिले रमेश से लिखा नहीं जाता ये कौन से का है भाववाच्य है ना और कभी कभी ऐसे वाक्यों में नकारात्मकता नहीं होती है भाववाच्य में भी आप जैसे कह रहे हैं नहीं से ही अंतर पहचान लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हमेशा आपको ऐसे उदाहरण मिले देखिए जैसे यतीन से नहाया गया हाँ तो यहाँ पर नकारात्मकता नहीं मिल रही है ना वाक्य में वैसे ज्यादातर आता है लेकिन अपवाद भी होते हैं इसमें कभी कभी हो सकता है ऐसे उदाहरण भी आपको मिल जाए कि नकारात्मकता का प्रयोग नहीं मिले कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं सरला से गाया नहीं जाता सरला से गाया नहीं जाता ये भाववाच्य का ठीक एक हाँ कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में कैसे बदलना है इसके उदाहरण देख लेते हैं अभी समय तो बच्चों कम है क्योंकि ये एक दिन में तो इतना ही हो पाता है कि आप वाच्य का और फिर उसके तीन पेज और उसके उदाहरण एक दिन और चाहिए यदि इसको कर्तृवाच्य पर जितना समय हम जल्दी से देख लेते हैं एक दो उदाहरण जितने होंगे राघव पतंग उड़ा रहा है ये देखिए राघव पतंग उड़ा रहा है तो ये हमारे पास उदाहरण है मान लीजिए किसका उदाहरण है पहचानिए अब कर्तृवाच्य का अभी से हमें बदलना है कर्मवाच्य कैसे बदलेंगे राघव के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है हाँ या फिर राघव से पतंग उड़ाई जा रही है राघव से पतंग उड़ाई जा रही है ये कर्मवाच्य हो गया और इसी को फिर भाववाच्य में बदलना है तो राघव से पतंग नहीं उड़ाई जा रही है इतना थोड़ा ध्यान रखिए आप है ना क्योंकि ये चीजें बच्चों अभ्यास से आती है एक तुरंत आप एक सोचो कि एक दिन में जल्दी से हो जाएंगी वैसे नहीं होती है उदाहरण देखिए नरेश पुस्तक लिखेगा ये किस कौन से वाक्य का उदाहरण है कर्तृवाच्य अब इसे बदलिए भाववाच्य में कैसे बदलेंगे नरेश के द्वारा पुस्तक लिखी जाएगी
नरेश से पुस्तक लिखी जाएगी। नरेश से पुस्तक नहीं लिखी जाएगी। आवाज में बदलना है ना? यस मैम। नरेश पुस्तक नहीं लिखेगा। हाँ आगे देखिए और उदाहरण। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? आकाश में पक्षी उड़ते हैं, कौन से वाक्य? कर्तृवाचक। अब इसे बदलिए, कर्मवाच्य में कैसे बदलोगे? पंछी से आकाश में उड़ा जा रहा है। पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है। आकाश में पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। और उदाहरण देखते हैं। अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कौन से वाक्य का उदाहरण? कर्तृवाच्य। इसे बदलिए, आकाश से पुस्तक पढ़ी जाती है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है या अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है? यस मैम। यस मैम। से या फिर द्वारा? ठीक है बच्चों, तो आप और अभ्यास करोगे तब सरल होंगे चीजें। एक दिन में नहीं तुरंत सीख सकते हो ना, और जितने उदाहरण आप उनका अभ्यास करोगे तब जाके आपको और स्पष्ट होगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो फिर क्लास हम समाप्त करते हैं ना। कौन क्या मना रहा है?